नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं आईडा भारत का। दोस्तों, एक कहावत है इंडिया के अंदर कि आलू बड़े दयालु, रोज खाओ आलू। आलू के बगैर कोई भी काम संभव नहीं है। जितनी भी सब्जियां बनाई जाती हैं लगभग सभी में आलू पड़ता है। आलू एक ऐसी सब्जी है जिसके बगैर भारत के लोगों का भरण पोषण संभव नहीं है। तो आज मैं पहुंचा हूं एक किसान के खेत में जो कि आलू का उत्पादन करते हैं और भैया से मुलाकात कर रहा हूं। इनकी लेबर भी यहां साथ में चले, सब भैया लोग आलू की बिनाई कर रहे थे। शुभ नाम बता दो ना। राजीव। आप राजीव भैया? भैया आलू बीना जा रहा है ना? हाँ, आलू बीना जा रहा है। इनकी थोड़ी सी खेती भी दिखा देते हैं। भैया इधर हट जाइए जरा सा। देखिए दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर ये इनका भैया का जो है वो आलू का भंडार लगा हुआ है। पीछे जो है इनका आलू पैक हो रहा है और ये देखो यहाँ पर बोरियां भरी हुई हैं। तो ये जो भैया, एक मिनट ये बताइए, ये आलू आप कहाँ ले जा रहे हो पैक करके? कटरा। कटरा मील में? मील में जा रहा। फिर ये छुड़ाते हो बाद में या बेचते नहीं इसे? नहीं, छुड़ा के गाड़ेंगे। अच्छा, छुड़ा के गाड़ते हैं फिर गाड़ें। तो इससे आपको कुछ लाभ होता है आलू की खेती से? लाभ होता ना। तो भैया मैं अपना कार्यक्रम करता हूँ, एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, जिसमें मैं 5 प्रश्न पूछता हूँ। आलू से रिलेटेड ही 5 प्रश्न होंगे मेरे। आप तैयार हैं? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई भी बता सकता है, जरूरी नहीं आप बताएं, इतने लोगों में से कोई भी बता सकता है। और निश्चित मेरे 5 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के जो उत्तर देगा उसे मैं एक सुंदर सा छोटा सा गिफ्ट देकर जाऊंगा। ओके, तैयार हैं आप सब? चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपके पास आ रहा है और आपको बताना है कि आलू का उत्पादन भारत के अंदर सबसे ज्यादा कहाँ होता है। अंदाजा लगा के बताएंगे और मैं आपको 4 ऑप्शन भी दूं, 4 जिलों के नाम दे रहा हूं, आपको बताना है। यह भी मैं रजिस्टर कर दे रहा हूं कि आलू का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा यूपी के अंदर होता है। यूपी के मैं 4 जिले बता रहा हूं। नंबर 1 मुजफ्फरनगर, नंबर 2 शाहजहांपुर, नंबर 3 पीलीभीत और नंबर 4 बरेली। आपको बताना है इनमें से सबसे ज्यादा। पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली। शाहजहांपुर। और कोई बताएगा? शाहजहांपुर है। और कहां है? मैं आपको बताना चाहता हूं एट दी स्पॉट कि आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत के अंदर यूपी में होता है और यूपी का एक जिला है मुजफ्फरनगर जहां सबसे ज्यादा आलू पैदावार होती है, मुजफ्फरनगर के अंदर। ठीक है ना? तो सही आंसर क्या है? मुजफ्फरनगर। एक आलू का जो पौधा होता है उससे कम एक पौधे में कितने आलू निकल सकते हैं? एक पौधा कम से कम 2 किलो। 2 किलो नहीं, संख्या बताओ आलूओं की। 2 किलो पे कितने चढ़ जाएंगे? 2 किलो कम से, इसमें तो कम से कम निकल रहे हैं 8-10 आलू। अंदाजा बताइए। 8-10 आलू निकल रहे हैं। मारो जबरदस्त ताली भैया के लिए, ताली बजा दो भैया के लिए। देखो आलू का उत्पादन करते हैं और आप किसान हैं, आपको जानकारी, इसीलिए मैंने आपसे प्रश्न पूछा है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि लगभग जो एक आंकड़ा बताया गया है वो ये है कि आलू का उत्पादन एक पौधे से लगभग 3 से 25 आलू निकलते हैं। कम से कम 3 और अधिकतम 25 आलू एक पौधे से निकल सकते हैं। तो सही आंसर है आपका, एक प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया है। आलू लगभग हर सब्जी में पड़ता है। कोई एक ऐसी सब्जी बता सकते जिसमें आलू नहीं पड़ता? पालक पनीर। अरे वो गोटी पालक। पालक की सब्जी बनती तो आलू पड़ता है भाई मेरे। पालक का साग बनाओ बन जाता है। लौकी। प्याज में? दाल। दाल में भी आलू बढ़ जाता है, हमने देखा है लोगों को खाते हुए। तुरैया। तुरैया। इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा, भैया आप आलू उत्पादन कर रहे हो, किसान हो। एक दोस्तों आपको बताना है कि ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें आलू नहीं पड़ता है, कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना। भैया को नहीं पता है कोई बात नहीं। अगला प्रश्न मेरा, भिंडी। भिंडी पड़ जाता है आपको? जी मीठ। मीठ नहीं भाई, नहीं मैं केवल सब्जी की बात कर रहा हूँ, वो तो मीट तो अलग चीज हो गई, केवल सब्जी की बात कर रहा हूँ मैं। कड़ी बना पाते हैं? कड़ी। कड़ी ना पड़िया। आलू कड़ी बनती नहीं है? आलू पड़िया काम ना पाते। दुनिया में सबसे पहला आलू कहाँ पाया गया? दुनिया में सबसे पहला आलू कहाँ पाया गया? सबसे पहले आलू? सबसे पहले शाहजहांपुर में आवे भैया। ये लड़का पढ़ा लिखा लग रहा है, इधर आ बेटा, इधर आ। हमें पता है? नहीं पता। पता बता। बता के जाऊं, दुनिया में सबसे पहला आलू जमीन के नीचे पाया गया। अरे थोड़ा दिमाग लगा।
दुनिया में सबसे पहला आलू कहाँ पाया गया? जमीन के नीचे। जमीन के नीचे। ये थोड़ा सा मैंने मनोरंजन वाला प्रश्न पूछ दिया आपसे। अच्छा ये बता दो, चलो आप में से पढ़ने वाले हैं सब लोग, आलू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आपको पोटैटो स्पेलिंग बता सकते हो? पी ओ टी। ताली बजा दो भैया के लिए, जबरदस्त वाली। आलू को अंग्रेजी में कहते हैं पोटैटो। पोटैटो, वेरी गुड आंसर। देखो पढ़ने का यही फायदा होता है, आपको जानकारी मिल गई। देखो आलू की फसल आप कर रहे हो, आलू के बारे में जानना आवश्यक है। केवल फसल तैयार करना तो अच्छी बात है, मान लो किसान है आप, फिर भी अगर पढ़ाई लिखाई के साथ आप उसको करोगे ना तो आप अच्छी बेहतरीन फसल ले सकते हो। जानकारी होना बहुत जरूरी है। एक आलू के पौधे को लगभग कितने नीचे तक, यानी कि आलू जो गाड़ा जाता है, समझ रहे हो ना, उसकी गहराई कितनी होती है? लगभग अंदाजा बताइए, गहराई सेंटीमीटर में या इंच में, लगभग आलू कितनी गहराई में होता है पैदा, एक अंदाजा तो होगा ना आपको, सेंटीमीटर या इंच का बता सकते हो? 5 इंच। पांच इंच कितना होगा? 5 इंच। मारो ताली भैया के लिए, और इनाम के हकदार हो गए। आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए भैया, प्लीज इधर आइए। देखो ये खेत के मालिक हैं भैया, और इन्होंने बिल्कुल दो प्रश्नों के उत्तर सही दे दिए हैं। 5 इंच, 4 से 6 इंच की गहराई में आलू जो होता है वो पैदा होता है। तो आज की प्रश्नोत्तरी दोस्तों मेरी हुई है किसान भैया के साथ। और देखो आप पढ़े नहीं हो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बेशक आप नहीं पढ़े, बच्चे हैं आपके? हाँ बच्चा है। बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप? हाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आपसे विशेष निवेदन करूंगा कि बच्चों की पढ़ाई में कोताही मत कर मरना, कुछ भी कर लेना, मजदूरी कर लेना, लेकिन बच्चों को पढ़ाना ना, बच्चा पढ़ रहा। और इसको जिसने जीत लिया, सीख लिया, वो सहनशाह है पूरी दुनिया का। तो एक बार जोरदार भैया ताली बजा दो मेरे भैया के लिए। तो दोस्तों आज मैंने आलू की खेती से रिलेटेड, भैया जो खेती करते हैं, मैंने इनसे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में इन्होंने एक छोटा सा गिफ्ट भी जीता, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने मेरी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। मिलता हूं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।